नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 सितंबर 2024 दिन क्या है भाई? आज शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जातपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या बाजार चला, आज के क्या रेट है। दोस्तों आज सिर्फ कुछ सब्जियों के रेट बताएंगे क्योंकि लेट हो गया, उधर मंडी में आलू में जल्दी जाना पड़ गया और भाई साहब भी आए देख रहे जी। चलिए जानते हैं सन्नी भाई की दुकान पे। जैसे पापड़ी, सुपर पापड़ी 65 रुपए किलो जी। बाकी शिमला मिर्च है और एक ये खीरे की गड्डी लगी है। बाकी मूली, हल्दी, मिर्च मसाले तो सारे आते हैं जी इनके पास। चलिए जान लेंगे संजय भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। संजय भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी? नमस्कार जी। कल से मार्केट कैसी जी? मार्केट कल जैसी है राणा जी, बस सौदे थोड़े कल से भी ज्यादा हल्के आज। क्या बात जी? बारिश का माल है सारा, वो सारे में छांट रहे जी, सारी टीम बैठ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। दागी का शिकायत है, बारिश के सौदे हैं सारे। सांगली है जी? सांगली सर। पूरा महाराष्ट्र में बरसात हो रही है अब तो। हाँ, बारिश हो रही है। टमाटर तो कह रहे तबाह हो लिया जी, टमाटर में से आया। टमाटर की क्रेट आज जो है सब लोग 1400-1500 रुपए तक पहुँच गई है। दागी होने की वजह से रेट तो डाउन होगा ही होगा। ठीक है जी, क्योंकि माल एक डब्बे में 4 किलो दागी निकलेगा। आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज की रिपोर्ट 70 से 75 रुपए। 70 से 75 रुपए बढ़िया माल की। अच्छा जी, बाकी जो हल्के सौदे हैं हाँ वो 65 रुपए 70 रुपए। और ये पापड़ी कहाँ की आई है? पापड़ी अपनी आई है शिवपुरी की आई है। शिवपुरी? हाँ जी। 65 रुपए किलो सुपर पापड़ी। 65 रुपए ये 65 मत देखो आप, ये 60 रुपए मान के चलो, 60-62। क्या बात जी, ये पापड़ी कच्ची है अभी राणा जी। अच्छा जी, कच्ची पापड़ी है ये। अगर ये साइज रहे ना, हाँ जी, ये साइज अगर इसमें निकलता है तो ये पापड़ी का बाजार रहेगा कम से कम 80 रुपए 85 रुपए। अच्छा जी, अभी बिकी नहीं जी ये? अभी कहाँ बिकी है। अच्छा जी, इसमें साइज छोटा है, कच्चा अभी है। अच्छा जी, हाँ जी, ये बनेगा 8-10 दिन में बन जाएगा। ये सारा पड़ा जी अभी? 8-10 दिन में बन जाएगा ये पूरा। शिवपुरी की कोई शिमला मिर्च आई? शिवपुरी की शिमला इसी गाड़ी में 10-15 पन्नी आई थी। हाँ जी, थोड़ा छोटा है शिमला, समझो आप उसका बाजार रहा है 80-85 रुपए। 80-85 शिवपुरी। और जबलपुर आ रही जी कोई? जबलपुर की कोई गाड़ी नहीं। अच्छा जी, हाँ जी। और क्या माल है जी? खीरे की गाड़ी कहाँ गया जी? खीरा की गाड़ी का पूछ लो से एक बार क्या कह रहा है। अच्छा जी, हाँ एक बार से पूछ लेना आप। किससे जी? अच्छा, वहाँ बैठे जी। लो जी दोस्तों, सन्नी भाई से तो जान लगा। और गोपाल ना जी जाना नहीं, मैं तो उधर जाना पड़ता, फट पे जाना पड़ता। आ लिए जी वहां से बाबू जी। नमस्कार जी। जल्दी आ लिए जी उधर से जी। माल बिक गया सारा। अच्छा जी, आज मटर कितनी आ रही जी वैसे जी? मटर ठीक थी मटर आज। अच्छा जी, अच्छा जी, कैसे बाजार चले जी? 60 रुपए किलो से लेके 1200, मतलब 200 रुपए किलो। 60 से लेकर 200 रुपए किलो तक। और जो ज्यादा खास बढ़िया जी अच्छी? 800 मतलब 150 से 200 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा, कल से डाउन आया जी। और अपना फ्रांस बीन का भाव जी? 25 रुपए से लेके 40 रुपए तक। माल सारे क्लियर हैं जी? हम माल क्लियर ही हो जाएंगे, पड़े माल के माल पड़े हुए हैं क्लियर। अच्छा जी, धन्यवाद जी, फ्री जल्दी हो गए जी, मैं लेट हो गया जी, आप शुक्र यहाँ मिल गए जी। नमस्कार भाई साहब जी, एक सिर्फ खीरे की रिपोर्ट दे दो, सिर्फ खीरे की रिपोर्ट दे दो। आप तो इसी में उलझ गए, संजय भाई ने दे दी सारी रिपोर्ट जी। खीरा जो है ना, देखो आप हाइब्रिड खीरा आपके सामने जो बिक रहा है, हाइब्रिड। हाँ जी, ये हाइब्रिड बिक रहा है अमृतापुर वाले का। ये कल तक जो बिका था 20-24 रुपए बिका था, आज 18 से 20 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी, माल बरसात के चक्कर में दागी ज्यादा निकल रहा है। अच्छा जी, और जो ये अपना चाइनीज खीरा आया है, चाइनीज खीरा 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक। 30 का खीरा होगा वो 35-36, जो हल्का खीरा होगा 28-30-32। अच्छा, उससे हल्का होगा पीले नीले 15-20-18-18-19-20-25। अच्छा, मार मानो 30 से 35 की पोजीशन है चाइनीज के लिए। अच्छा जी, अच्छा ये, अच्छा ये बात बता दो, जैसे महाराष्ट्र में तबाही मचा दी जी बरसात ने, आज टमाटर की भी क्रेट जो है 1200-1400-1500 तक पहुंच गई। हाँ। और ये करेगी शिमला मिर्च भी नुकसान करेगी, तो इनको चांस मिलेगा जी? नुकसान ना, ये देखो ना मिर्ची के अंदर, ये देखो ये जो है मोस्टली 70% मिट्टी में ये शिकायत है, लगातार वो बाहर छांट रही है, वहां से तोड़ी जा रही है, तो मिट्टी कुछ और दिख रही है, यहाँ निकलने के बाद कुछ और दिख रही है, तो इनको चांस मिलेगा जी? अब जो चांस क्या है, अब ये सीजन एंड पे अगर बरसातें बंद होती है, हाँ जी, मालों के सुधार के अंदर 10 से 12 दिन लग जाएंगे सुधार आने के अंदर, मालों के अंदर। जबलपुर और शिवपुरी की बात कर रहे हैं? शिवपुरी भी तैयार है, जबलपुर भी तैयार है। अब खेल जो है ना, जो भी तेजी है 2-4-5 दिन की है, उसके बाद अगर वहां पे बरसातें रुकती है तो क्वालिटी अगर शिवपुरी सांगली की बनती है तो यहाँ से शिवपुरी और जबलपुर चलती है, बाजार एक लिमिटेशन का चलेगा, इतना तेजी में बाजार नहीं चलेगा। अच्छा जी, माल हल्के होते हैं तब बाजार टाइट होता है, जब माल ही बढ़िया मिलेंगे मार्केट में तो बाजार क्यों टाइट होगा। अच्छा जी, हाँ ये कहानी होती है। तो कितने दिन में फुल फ्लो में आ जाएगा शिवपुरी जबलपुर? फुल फ्लो मानो 10-10 दिन के अंदर फुल फ्लो में आ जाएगा, मतलब 10 तारीख से फुल फ्लो में आ जाएगा। अच्छा, 12 दिन के अंदर शिवपुरी जबलपुर ये सब फुल फ्लो के अंदर खेल जाएंगे। ठीक है। और ये अपना इसमें कितना समय जी, अपना नारकी और ये बरेली वगैरह जो? नारकी बरेली 1 साल पीछे है।
पीछे बरसातों की तरह पानी ज्यादा भरा हुआ है, तो इस साल पीछे ये मान लो अक्टूबर एंड में आएगी, एक नवंबर के आसपास। चलो कुछ दिन यानी जबलपुर और शिवपुरी के लिए मैदान खाली मिलेगा, बादाम खाने को मिल जाएगा, बाजार मिल जाएगा शिवपुरी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। दोस्तों ये थे जी शिमला मिर्च और खीरे के रेट। खीरे में भी दोस्तों जैसे भाई साहब ने कहा ना, ये सफ़ेद निकल गया, ये कभी झूठ नहीं बोलते। ये देखो ये सारा, और अंदर देखो कैसे छंटा छंटाई चल रही है, और ये तो चली रही, और साथ में जो है शिमला मिर्च में ज़्यादा चल रही है। ये सारी की सारी शिमला मिर्च जो है यहाँ पर छटाई होके ये डैमेज निकल रही, जो इनकी डंडी है पीछे से डंडी गड़ गई, ये वाली चीज़। लो जी जैसे कहा था आपको छोटी वीडियो बनेगी, मटर फ्रांस बीन का भी बता दिया गोपाल बाबू जी ने, वहीं पर दफ्तर में जाने लग रहे थे, सारी एक फर्म है जी। और लो जी करेला भी खाओ और चूचू भी खाओ जी, और बैंगन भी खाओ, और गांव भी आ गई जी खाने वाली जिसको। और श्याम लाल भाई साहब नोट गिन रहे जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, कल से कैसी है जी पोजीशन? कल से डाउन है पोजीशन बाबू जी। अच्छा जी, आ सौदे बिके 1000 रुपए के, 1050 रुपए के कंचन, ये वाले जी, ये कंचन एक नंबर है। अच्छा जी, ये आरती है शाहिद भाई हैं, टॉप के आरती है, ज्यादातर कंचन बैंगन इनके पास आता है वहाँ पर जो शेडो में जी, शेडो के अंदर। अच्छा जी, अच्छा। तो आज इन्होंने पर्चे जेब से डाल के पर्चे दिए, 1100 के पर्चे दिए। महंगा चला है नहीं, ना, 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 जी कॉम्पिटिशन आपस में आरतियों का, 900 का रेट खुला, 50 खर्चा हो गया। ठीक है जी, और इन्होंने पर्चे कितने के दिए, जैसे 6 आरती है, 4 ने कहा 900 के पर्चे बनाओ। ठीक है जी, और 2 वाला कह रहा है नहीं मैं तो 1100 का बनाऊंगा, और 4 वालों ने 1100 बनाए, 900 बेच के 1100 के पर्चे बनाए हैं। बताओ जी, ये जी इसका बैक गियर लग गया जी, अब बैक गियर रोज लगेगा, अब बैक गियर रोज लगेगा। अच्छा जी, ये टींडा कल भी कर रहा था, देखो क्या बोलते हैं करेला कानपुर वाला, हाँ जी, कल 26 आज 22-23 रुपए किलो। और ये टींडा जी आज है, ये टींडे का, टींडे वाला की भी ऐसी तैसी हुई है बोल जी। अच्छा जी, अभी तक नहीं बिका, आज पड़ा हुआ सबका। अच्छा जी, और ये अपने पास चूचू पड़ा जी, उधर चूचू पड़ा हुआ है, ये बिका रात को 26 रुपए लेके 2.5 रुपए किलो तक, ये 26 से 2.5 रुपए एक नंबर। और जो आपके पास वो काला बैंगन काले वाला वो 30 रुपए मेरा गाँव में बिक गया चोमू में। अच्छा, बॉय लाए मैं, नहीं बिकेगा यहाँ पर। अच्छा जी, अच्छा। और ये बरेली वाला, ये कानपुर वाला, ये बिक रहा है 25-26 रुपए। ये करेला जी है जी, बोरी वाला, ये भी करथले खा रहा जी अब तक। हाँ जी, हाँ जी, एंड चल रहा है। अच्छा, 20 बाई बिकेगा, सुपर नहीं बिकेगा। चलिए धन्यवाद बाबू जी। मोबाइल नंबर जी, मोबाइल नंबर 9918-24-872 श्यामलाल ठाकुर, सब भाई को राम राम। धन्यवाद जी बाबू जी, आपकी आर्ट का क्या नाम है जी वहाँ जी? जी शाहिद खान के नाम से। अच्छा जी, अच्छा। और फोन नंबर कौन सा है जी आपकी, दुकान नंबर? दुकान नंबर, दुकान नंबर D386 है। अच्छा जी, पट नंबर 17 है लास्ट। तो बैंगन का ही काम है को और किसी चीज़ का? 12 महीने बैंगन का, सिर्फ ओनली बैंगन ही है, ओनली बैंगन, बढ़ते वाला मोटे जी, मोटे वाला। धन्यवाद जी, मोबाइल नंबर बोल दो जी एक बार, 7982163310। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास किस समय आता है जी रात को? मान लिए रात को किस समय आ जाता है? 10 बजे आते हैं रात को, वही मूली गाजर वाले साइड में जी। अच्छा जी, बंद गोभी वाले में, बंद गोभी वाले साइड में, खत्ते के सामने साथ में। बंद गोभी वाला कौन सा जी? प्याज वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, प्याज वाले साइड में, प्याज वाले साइड में। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद जी भाई साहब जी। लो जी, इधर कोरोना का आज अभी तक चल रही, सौदे अभी के नहीं जी, मंदा चल गया सौदों का, और जितने भी सामान है अभी तो जो है, कल तो इनके पास गाड़ी नहीं थी जी, आज गाड़ी है जी अपना महिंदर सिंह भाई साहब के पास, अभी टेंट लगा के पल्ली लगा के बैठे। बाबू जी राम राम जी। बाबू जी कल तो जल्दी निमट गए थे जी, ऐसी माल ज्यादा आता रोज। जय महाकाल सभी किसान भाइयों, मेरे राम राम। कोई भी हमारे से संपर्क करना चाहता है तो कर सकता है, टिंडा है, कुंदरू है, परमल है। इसका रेट बताओ जी, अरी बैंगनी नंबर 1 की, ये नंबर 1 20 रुपए। अच्छा जी, अच्छा। और ये जो देसी परमल जी है, ये 40 रुपए। अच्छा जी, और आज का कचरी का बाजार जी? कचरी का बाजार 150 रुपए, 150 रुपए दड़ी। और जैसे बताओ जी, आपने बढ़िया वाली रखी और एक वो छोटे वाली है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जी? ये डिफरेंस है, मेरे दांत कमजोर है इसलिए नरम निकालिए खाने के लिए। अच्छा जी, क्यों? इससे पेट साफ हो जाता है, गैस साफ हो जाती है। अच्छा जी, ये फायदेमंद होती है। और आज कानपुर का करेला जी अपने पास? कानपुर का करेला है, बहुत बढ़िया करेला है। क्या रेट का? 20 रुपए बिक रहा है। हाँ जी, 20 रुपए। और ये जो आरा कद्दू जी, जाल वाला आरा कद्दू? आरू कद्दू और का जी देखो जी, हाँ जी, 14-15 रुपए। अच्छा जी, और ये कुंदरू बाबू जी? कुंदरू बिक रहा है 15-16 रुपए। और आज की इसकी क्या रिपोर्ट है जी टिंडे की जी? ये देखो टिंडा, देखो कैसे धांग लगी हुई है। हाँ जी, एक नंबर का टिंडा जिसे कहते हैं, 40 रुपए किलो।
आज टिंडा ज्यादा है जी मंडी में? नहीं, किसी पे ज्यादा नहीं, हमारे पास ही 3 गाड़ी थी। अच्छा, 40 का बाजार रहा चला जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। बाबू जी, किसी को संपर्क करना हो, माल बेचना, अपना मोबाइल नंबर देखो। सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो में जैसा माल भेजे उसी तरह का माल दिल्ली आए तो है ठीक। जब वीडियो दिखाते हैं बढ़िया की और हल्का माल भेज देते हैं, उससे लड़ाई होती है किसान में और आरती में। ठीक है, क्या आपने बाजार बताया था, ये पहुंच गया ये। ठीक है जी, ठीक है जी। और सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे पास माल लाओ, हाथों हाथ बेचो और अपने नगद पेमेंट जी, नगद पेमेंट हाथों हाथ। धन्यवाद। मोबाइल नंबर बोल दो जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 93-11-370-778। जय महाकाल। महाकाल अध्यक्ष महेंद्र भाई सिसोदिया पागल। वाह जी वाह, वाह जी वाह। महेंद्र सिंह भाई साहब का नाम है, पागल भी है जी, पागल भी बोलते हैं इनको, पागल बाबा या फिर जो है टिंडा बाबा, जो भी लगा लो। अब तो इन्होंने पान छटवा दिया जी, मैंने इनका नहीं के तो पान ने हालत खराब कर दी थी। और यहाँ बड़े गर्म दल के बंदे जी हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का हरी तिक्खी मिर्ची का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। आज तो यहाँ कोई भी नहीं जी, धनिया वाले भी गायब, मिर्ची की जगह तो मोटरसाइकिल खड़ी, यहाँ पर भी नहीं कोई बंदा जी। आज का क्या बाजार चला होगा जी, ठेकेदार बैठा जी भाई साहब का यहाँ तो, आज तो सारी जा लिए जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। आज क्या बात, माल जल्दी बिक लिया जी? हाँ जी, आज थोड़ा बाजार में रौनक था आज। अच्छा जी, अच्छा, आज माल कमाया जी वैसे? नहीं, 20 गाड़ी था। अच्छा जी, अच्छा, आज का क्या बाजार चला जी? आज 55 रुपये जी। ये कहाँ वाली जी? ये इंदौर। और नंदूर 65 रुपये खुली। नंदूर बहार 65 रुपये, इंदौर 55 रुपये। माल कैसे आए ये? माल थोड़ा बहुत शिकायत था। अच्छा जी, हाँ जी, हरी मिर्ची ज्यादा आ रही है। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, 55 से 65 रुपए किलो। हाँ। बस दो इलाकों की है जी। दो इलाका, माल कमी थे जी। माल कमी। धन्यवाद भाई साहब जी। लो जी, 55 से 65 रुपए मिर्ची के बाजार रहे, माल कम था और लाल की शिकायत हो गई जी मिर्ची में।